स्त्री को वश में करके क्या लाभ है? वास्तव में यहाँ पे कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि जब हम स्त्री को वश में करने की सोचते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। हमें सिर्फ इन चीज़ों का सोचना चाहिए कि मैं सम्मोहन साधना के द्वारा शक्ति अर्जित करके सफलता के लक्ष्य को पा सकूं। मुझे जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में ऊंचाइयां चाहिए, ताकि मैं जीवन के सही अर्थ को और सही चीज़ों को समझ सकूं। सिर्फ स्त्री को वश में करने की सोच रखना ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमारे पास पैसा होगा व ताकत होगी तो हम हर चीज़ को पाने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास शक्ति, पैसा, ताकत व सामर्थ्य होता है उसके पीछे हर कोई दौड़ता है। हम सिर्फ स्त्री को वश में करने के लिए सोचते रहते, इसका कारण क्या होता है कि हमारे मन में कमजोरी हमें यह सोचने पे मजबूर करती है। क्योंकि जो विशेष ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उनके लिए पैसा व ताकत ही सब कुछ होती है। क्योंकि जो लक्ष्य बनाते हैं उनके लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, घर, परिवार, इनसे भी बड़ी चीज़ें उनका लक्ष्य होता है। क्योंकि जो लक्ष्य बनाते हैं वही सफल हो पाते हैं। इसके कुछ उदाहरण होते हैं परशुराम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, आदि शंकराचार्य, चाणक्य। ऐसे लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया तभी वो विशेष माने गए। बाकी चीज़ें तो सभी मिल जाएंगी, पर अगर लक्ष्य पा लिया तो सबसे बड़ी सफलता हाथ में आ जाएगी। क्योंकि जो सफल होना चाहता है वो लक्ष्य बना के ही सफल हो पाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि शक्ति जरूरी है, मन एकाग्र जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, शून्यता जरूरी है, तभी व्यक्ति सबसे सफल हो पाता है। क्योंकि जब तुम सफल हो गए तभी सबसे ज्यादा चिंता और तनाव आते हैं। तो अगर व्यक्ति साधना करता है, अपनी त्राटक साधना को बढ़ाता था, सम्मोहन साधना को बढ़ाता था, तो उसी शक्ति से उसका आध्यात्मिक जीवन, गृहस्थ जीवन व उन्नति के द्वार में वो हमेशा सफल होगा। तो जो आध्यात्मिक जीवन में साधना करता है, त्राटक शक्ति को अर्जित करता है, मन को स्थिर करता है, जिससे वो आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों को समझ पाता है, जिससे वो अपनी सामर्थ्यता को जान पाता है। साधक को यही चाहिए कि वो धन कमाए, पैसा पाए, सामर्थ्य पाए, साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी सोचे। क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारा मन आध्यात्मिक उन्नति करेगा तभी सफल होगा। शिवम।